एहसान मानो या एहसान मानो, मदरसा अल्लाह उलमा का हफाज का कुर्रा का, इन्होंने कम से कम आबरू बचा रखी है, आबरू समझ रहे हैं। वरना अभी याद कर लो लॉकडाउन ज्यादा दिन नहीं हुआ गुजरे हुए, बगैर कफन दफन के तशरीफ ले गए लोग। हाँ एकदम, न कफन न कफन न मिट्टी न गोसल रुखे सेवा की जियारत भी नहीं। हाँ अब्दुल करीम को जगदा राम के हवाले कर दिया गया और जगदा राम को शमसुद्दीन के हवाले कर दिया गया, ये कहकर कि एक बार अब्बा है ऐसा बैग क्या बेटो ने ऐसा बैग क्या गुर्दा बेच दिया, कलेजी बेच दी, बेटा बेच दिया, आंखें बेच दी, हथनिया बेच दी, अब पैक करते हैं लाखों करोड़ों कमा के कम तो कर कोरोना के नाम पे, अब दुनिया के कम से कम नहीं तो 50 लाख इंसानों को मार डाला है। दो बंदूक धारी आते थे गन मशीन ले गए, अरे भाई साहब बड़ी मुश्किल से एक जनाजा बढ़ाने का नंबर आया मेरे मेरे भी तो गलिया में बैठा होता मजदूर ड्राइवर पीछे वो डेड बॉडी रखी हुई थी, ऐसे ही पढ़ दी थी लग गए लाइन में, हमने कहा ड्राइवर साहब देखिए उधर आइए वरना तुम्हारे पड़ जाएंगे। जेसीबी से कबर खोदी जाती थी उसी जेबी जेसीबी से उड़ा के जल्दी खत्म। ये हुआ अभी 2 साल पहले और नदी किनारे क्या जल रहे थे लोग भटक भटक करके, किसी को लकड़ी मिली तो मिली, कितना मिली तो ना मिली, रोए जा रहे रोए जा रहे, ऐसे माहौल देखे गए हैं। शुक्र मनाओ कम अज कम उलमा जिंदा है, उलमा उफाद पुर्रा जिंदा है, इम्मा जिंदा, इन्होंने बड़ी आबरू बचाई है, कम अज कम जनाजा तो पढ़ दिया। हाँ इसलिए मैं याद आती पढ़ दिया हूं, जब तुर्की में सल्तनत उस्मानिया का सवाल हुआ था और मुस्तफा कमाल पाशा जैसा दहलिया काबिज हुआ था, उस मुल्क में इस्लाम की तालीमात पे प्रतिबंध लगा दिया गया, दीनी तालीम हासिल करने वालों को सजाए मौत का ऐलान कर दिया गया। तो मौलाना लोगों ने जानते हो क्या किया, मदरसे बंद कर दिए गए, मस्जिदें बंद कर दी गई, मुस्तफा कमाल अतातुर्क पाशा के जमाने में उलमा ने कैसे बचाया दीन को, सुनो। ट्रेन पर टिकट लेकर के बैठते थे, एक शहर से दूसरे शहर जाते थे, 10-12 बच्चों को टिकट निकालते थे, उनको साथ में जाते थे, ट्रेनों में चलते चलते गेहूं की फसल पक जाती थी, उलमा हुफाज तुर्रा असातिज़ा 15-20 शागिर्दों को लेके जाते थे, मजदूरी करते थे गेहूं काटने की मजदूरी, और गेहूं भी काटते थे, गट्ठर बनाते थे, बच्चों को दीन की तालीम भी सिखाते। इस तरह से दीन की तालीम को तहफ्फुज़ फराहम किया और बच्चों को दीनदार बनाकर रखा, ये उलमा की कुर्बानियां हैं, समझ रहे हैं। इन हालात में भी उलमा ने कुर्बानी दी है, कुरान में हर चीज का बयान मौजूद है, पढ़िए तो सही, वला रतबी वला याबिस इल्ला फी किताबिल मुबीन, खुशी और तरीकी कोई भी ऐसी चीज नहीं जो कुरान में मौजूद ना हो। मौजूद कैसे है, तिबियान और नकुल में शय, हर शय का क्लियर बयान कुरान में मौजूद है, पढ़ तो सही बंदे, पढ़ तो सही, दुनिया पढ़ रही तरक्की कर रही है, दुनिया पढ़ रही अंतरिक्ष में जा रही है, हमसे ज्यादा कुरान यहूदी पढ़ता है, हमसे ज्यादा कुरान ईसाई पढ़ता है, हमसे ज्यादा कुरान गैर मुस्लिम स्कॉलर्स पढ़ते हैं, नियत कुछ और होती है। हमारे बच्चे पढ़ रहे, एक स्टूडेंट हमारे अजीज हैं माशाल्लाह बड़े अच्छे आलिम हैं और बड़ी अच्छी तालीम हमने हासिल की, बड़ी सलाहियत अच्छी है, वो जब यूनिवर्सिटी में पढ़ने गए तो दीनियात का सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए कोई मौलाना नहीं आए, एक नॉन मुस्लिम कम्युनिटी की लेडी आई दीनियात पढ़ाने, एक गैर मुस्लिम खातून दीनियात का सबक पढ़ाने के लिए आई, वो भी अरबी में,
तो मौलाना का क्या बताए, 35 मिनट की जो घंटी थी उसने अरबी में स्पीच दिया दुनिया पर, जबकि मैं अरबी का स्टूडेंट था फिर भी काफी चीजें बाउंसर से। सोचिए, गैर कुरान पढ़ते हैं, गैर दुनिया पढ़ते हैं और हम हैं गप मिल रहे हैं, फुर्सत पे बैठे हैं, टाइम बहुत पास करने के लिए। कुछ बैठ जाएंगे तो दरवाजे के सामने तुम मिलिया सेठ खेलेंगे, 16 गोटी बना लेंगे, घर से सोचते भी चलेंगे, कभी सोचते सोचते कि कैसे खेलना है, कैसे पढ़ना है, खेलना यहाँ बाहर कर जाते सोचते, फिर उनको याद आता था तो पीछे छूटे ला जाता था, फिर घूम के आते हैं। ये हमारी कौन का हाल है, खाने के लिए अल्लाह पर मौका मिल जाए, अलग शरीर के ऊपर दार ऐसा ठूस ठूस से खाएंगे और फिर टोल के हाथ फेंक के दकारे दे देंगे। खाने के लिए पैदा हुई, शादी ब्याह का मौका आ जाए अगर डोंगा चल गया ना तो उसकी इज्जत का सत्यानाश, जिसने जलाया डोंगा जिसके टेबल पे सामने जिसके डोंगा पूरा उलट लेगा बेटा, अब उस पर शोरबा शोरबा छोड़ देगा। ये हमारी हालत है क्या, दुनिया के खतरात आपको कुछ पैगाम नहीं देते हैं? जो दुनिया की एक्टिविटीज है क्या आपको संदेश नहीं देती? आए दिन मुल्की पैमाने पर आपके घर जलते हैं, दुकान जलती है, गोलियां मारी जाती हैं, तबाह की जाते हैं, आप कुछ होश के नाम तो अपने लेते हैं हमें क्या करना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो शख्स फजर की नमाज पढ़ लेता है वो अल्लाह की हिफाजत में आ जाता है। कितने लोग नमाज पढ़ते हैं हमारे, पूरे मुल्क हिंदुस्तान का सर्वे किया जाए 2% तबाही है, अल्लाह की रोजी 3 मरतबा ठूस ठूस के खाने वालों बेशर्मो, मुझे बताओ अल्लाह की नमाज पढ़ने की तुम्हारे पास वक्त नहीं? सुबह नाश्ता, दोपहर खाना, शाम खाना, उसके अलावा भेड़ बकरी का कचा कचा दिन भर खाया जाए, पान पकौड़ी कचौड़ी सब ठूसे जाए, भाई साहब हिसाब किताब बना लो खाने पीने का। ये तोड़ शरीर है आपकी है, इसका मतलब ये नहीं इसे फाड़ डाला जाए, हिसाब से खाइए, लिमिट बनाइए खाने पीने का भी। कभी हम इल्म के हवाले से पहचाने जाते थे, आज दुनिया में हमारा ताल जाहिल के हवाले से पहचाना जाता है। सबसे बड़ी जाहिल कौम दुनिया में कोई है तो मुसलमान, शेड्यूल कास्ट से भी नीचे तबके में हम हैं। सचर कमेटी की रिपोर्ट, मंडल कमीशन की रिपोर्ट, जितनी रिपोर्टें गवर्नमेंट ने तैयार की है, हमारे मुल्क में जो शेड्यूल कास्ट के लोग बसते हैं मुसलमान, उनसे भी निचले पायदान पर है तालीम के मामले। अभी स्कूल का पोस्ट देखा मैंने, वीडियो आई है, मुस्लिम बच्चे पढ़ने गए वहां पर, छोटे छोटे बच्चे 3 साल 3.5 साल के, उनकी जो अध्यापिका साहिबा है वो आरती उतारती है, उसमें चिराग जलाई है, तो बच्चे वो हाथ जोड़ नन्हे नन्हे मुसलमान खड़े हो गए, उनकी पेशानी पर टीका लगाया जाए, बच्चों का दिल सादे कागज की तरह होता है। हम किसी के मजहब पर ऑब्जेक्शन नहीं करते, लेकिन किसी को हम हमारे मजहब पर ऑब्जेक्शन करने का भी अधिकार नहीं देते। हम हमारे मुस्लिम बच्चों को अगर इस तरह से बचपन से उनका जहन मोड़ा जाएगा, आगे चल के वो बच्ची तस्लीमा नसरीन बनेगी और या सलमान रुश्दी बनेगा बच्चा हमारा। इसलिए मुसलमानों के खुद के स्कूल होने चाहिए, कॉलेज होने चाहिए, यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, और मुसलमान गरीब नहीं है, इसके पैसे कहां खर्च होते हैं कव्वाली के, हमारी कौम का पैसा कव्वाली के खर्च होता है। पहले एक कव्वाल आते थे हम जब छोटे थे, फिर दो आने लगे मुकाबले कव्वाली, फिर टिड्डी हो गई, एक कव्वाल इस तरफ एक कव्वाल इस तरफ, बेगम एक कव्वाला, और फिर ये दोनों कव्वाल
उसे अपनी दुल्हन बनाते रहते हैं, अब वो सबको दुल्हा बनाती रहती है। और पागल कौन हमारी गधों जैसा दिमाग रखने वाले लोग इस तरह बैठते हैं। सठिया गए हो